हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीना शर्मा हियर, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल रेवाड़ी। आज क्लास में हम 30 सीन ड्रॉ करने वाले हैं। देखने वाले हैं किस तरीके से हम 30 सीन ड्रॉ करेंगे, काइट फ्लाइंग सीन ड्रॉ करेंगे और कलरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल पेस्टल कलर। ऑयल पेस्टल कलर हम यूज करने वाले हैं। अभी तक हम बुक में कलर वर्क कर रहे थे, बट अब आज से हम अपनी ड्रॉइंग फाइल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसके पास नहीं है वो भी अरेंज कर लीजिए और इसमें अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। सभी को काइट फ्लाइंग बहुत अच्छी लगती है, रेवाड़ी का बहुत फेमस फेस्टिवल है, आई नो। तो इसको उसी हैप्पीनेस से हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 30 सीन ड्रॉ करने के लिए या कोई भी ड्राइंग करने के लिए हमें बॉर्डर बनाना होता है, मार्जिन लाइन लगानी होती है। कम से कम हम 1 सेंटीमीटर की लगाते हैं, और अगर कोई चार्ट पे बना रहे हैं तो 1.5, बस इससे ज़्यादा नहीं हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर बना रही हूँ, इस तरीके से डायरेक्ट स्केच पेन से ही बना रही हूँ, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। आज की ड्राइंग हम वर्टिकली बनाएंगे, इसको वर्टिकल मीन स्टैंडिंग में बनाएंगे हम, और एक बॉय बनाएंगे काइट फ्लाइंग करता हुआ 30 सीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉय के लिए स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, जिसमें हम पहले अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतना उसकी फेस हो जाएगा, इतना उसकी शर्ट, यहाँ तक उसके शॉर्ट्स और ऐसे लेग्स आ जाएंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उस फेस बॉडी को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बॉय की ड्राइंग बनाएंगे। पहले हम उसके हेयर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले से इस तरह अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो हमारी अगर हमारा ऊपर से बॉडी बड़ी बनती गई तो हमारे लेग्स में कंप्लीट नहीं आएंगे। तो हम उसी अकॉर्डिंग, इतने में ही हमें फेस कंप्लीट करना है, तो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करते चलेंगे। इस तरह से हेयर्स बना रही हूँ मैं, यहाँ पे ईयर और हेयर्स यहीं ख़त्म कर देंगे हम। यहाँ इसका फेस जो साइड में टर्न है, तो इस साइड हम चीक बनाएंगे और इस साइड डायरेक्ट राउंड बना देंगे, यहाँ से जो पीछे की तरफ देखते हुए इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसका हैंड बनाएंगे इस, ये शर्ट हो जाएगी यहाँ पे, और इसका एक हैंड थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाएंगे जिसने काइट होल्ड की हुई है इस, और ये इसकी शर्ट हो जाएगी यहाँ पे, शॉर्ट्स। ये इसकी शर्ट, टी शर्ट की कॉलर बना रही हूँ दोनों तरफ से ऐसे, और इसको हम यहाँ से इस तरह राउंड बना देंगे। ये इसकी टी शर्ट हो गई, और इस लाइन को हल्का सा नीचे कर रही हूँ मैं इस तरीके से। ये हमारा टी शर्ट हो गई है। अब हम इसके पहले एक्सप्रेशंस बना लेंगे। हम इस तरह से पहले इसमें 2 आईज बनाएंगे, साइड में ये नोज बना दी हमने, आई लैशेस, आईब्रो, यहाँ पे एक छोटी इसकी स्माइली बना देंगे इस तरह स्माइल करता हुआ। ओपन फेस बनाना चाहे तो इस तरह से हम ओपन फेस भी बना सकते, माउथ भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब इसी में हम पहले इसके हैंड्स बनाएंगे, इसने हैंड से थ्रेड को होल्ड किया है, तो कुछ ऐसे राउंड शेप में पहले जो हमने इसकी चरखी बनानी है जिसमें थ्रेड होता है वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे, जिसको वो होल्ड करेगा इस तरीके से।
यहाँ से फिंगर्स दिखाऊंगी मैं, बैक साइड से फिंगर्स आ रही हैं और थंब हमारा आगे से इसको होल्ड कर रहा है इस तरीके से, और ये बीच की जो लाइंस है वो इरेज हो जाएंगी। ये इसका हैंड बन गया, यहाँ से इसका थ्रेड जा रहा है और इधर हम एक काइट बनाएंगे, फ्री हैंड से बनाएंगे, कोई स्केल यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे टू रिबन्स लगा देंगे। ये हो गया हमारी काइट। अब हम इसका दूसरा हैंड बनाएंगे, सिंपल साइड में है उसका हैंड, यहाँ पे थंब हो गया और ये इसकी फिंगर्स हो गई हैं, ये यहाँ हो गया। अब लेग स्टार्ट करते हैं, एक लेग उसका आगे की तरफ है, एक उसका लेग थोड़ा सा पीछे की तरफ बैंड है, लाइक रनिंग कर रहा है जैसे, उठा हुआ है उसका लेग। ये इसका शूज बना रहे हैं हम, इस तरीके से मैंने इसका शूज बना दिया है। यहाँ पे इसका शूज जो होगा वो आगे की तरफ उठा हुआ, जैसे वो रनिंग कर रहा है, आगे की तरफ वॉक कर रहा है, तो उस तरीके से इसका शूज भी ऐसे उठा हुआ होगा और इसको हम यहीं से ऐसे अटैच कर देंगे इसके साथ। ये इसकी सॉक्स आ जाएगी यहाँ पे, ये हो गया, और इसको डबल बॉर्डर दे देंगे यहाँ से। इस तरीके से हमारा बॉय कंप्लीट है। अब हम इसका बैकग्राउंड कुछ देंगे, यहाँ तक हमारा बैक स्पेस है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बुशेस बना रही हूँ। ये हो गया इसका पीछे ग्रीन एरिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लैंड दिखाने के लिए इस तरह से दिखाएंगे, ऊपर स्काई के लिए थोड़ा एक दो क्लाउड्स बना रही हूँ। ये हो गया हमारा, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा सीन रेडी हो गया है। कहीं हम ग्रासेस दे रहे हैं कॉर्नर्स में, यहाँ पे थोड़ी बड़ी ग्रासेस बना रहे हैं, और इस तरीके से अब हम इसमें पहले सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्केच पेन से इसमें आउटलाइन करेंगे। मैं पहले बॉय में ही आउटलाइन कर रही हूँ जैसे हमने स्टार्ट किया था। आपके पास अगर स्केच पेन नहीं है तो आप ब्लैक जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा वाला मार्कर यूज़ नहीं करेंगे, बोल्ड मार्कर यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने इसको पूरा आउटलाइन कर दिया है, इसके एक्सप्रेशंस रह गए हैं, इसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये काइट किस तरफ देख रहा है, इसके आई बॉल्स मैंने ऊपर की तरफ बनाई है इस तरह से, और ये हमने इसका माउथ भी कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले स्केच पेन करने के बाद मैं इसमें इरेज कर रही हूँ, इसमें जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी वो सब क्लीन करनी है हमें, और उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे इसमें। अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसकी टी शर्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर की टी शर्ट बना रही हूँ। ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, और ट्राई कीजिए आप भी इसको अभी से करना स्टार्ट कीजिए ताकि हम उसको अच्छे से कलरिंग करना सीख लें। या तो हम इसके शेप के अकॉर्डिंग कलरिंग करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसमें अप एंड डाउन कर रही हूँ, ऐसे ही अगर हम क्लाउड्स में करेंगे तो राइट टू लेफ्ट करेंगे स्लिपिंग में, और हमारे स्ट्रोक्स की लाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए बिल्कुल भी।
ऑयल पेस्टर में यही बेनिफिट होता है कि हम उसको मिक्स कर सकते हैं और लाइंस बिल्कुल मिक्सअप हो जाती है अगर हम फिंगर से थोड़ा सा रब करते हैं तो। क्रेयॉन्स में अलग से लाइंस दिखती हैं। काइट फ्लाइंग करना सभी को बहुत पसंद है, रेवाड़ी में तो बहुत फेमस है ये फेस्टिवल। यहाँ 30 भी उड़ाई जाती हैं पतंगे। इसको मैंने मिक्स कर दिया फिंगर से थोड़ा सा। इसकी शॉर्ट्स बनाते हैं अब। शॉर्ट्स में मैं बना रही हूँ इसको थोड़ा सा ब्लू दिस पेन। हेयर्स में कलर कर रही हूँ मैं, ब्राउन कलर कर रही हूँ, आप ब्लैक भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें पूरा ब्राउन कर रही हूँ। इस तरीके से ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्काई से वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर हम ऊपर कलर करते हैं तो नीचे का स्प्रेड होता है, तो आप सबसे पहले ऊपर से ही कलरिंग स्टार्ट कीजिए। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि नीचे का कलर स्प्रेड ना हो। सबसे पहले मैं क्लाउड्स बना रही हूँ। क्लाउड्स में हमने सीखा भी है पहले, और अब मैं फिर से बता रही हूँ कि पहले हम सबसे साइड साइड में इसको पहले आउटलाइन दे देंगे स्काई ब्लू से, और उसके बाद हम वाइट क्रियोन लेके इसको मिक्स कर देंगे। ऐसे राउंड में घुमाते हुए स्काई ब्लू के ऊपर भी चलाएंगे और प्लेन एरिया पे भी जहाँ पे हमने कलर नहीं किया है, इस तरीके से। तो ये पूरा मिक्स भी हो जाएगा और शेडिंग भी आ जाएगी हमारी इस तरीके से। ऐसे ही मैं दूसरा क्लाउड भी कंप्लीट कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए चलाएंगे जिससे नीचे का वाइट पोर्शन शीट नहीं दिखाई दे, अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। और उसके बाद इसको वाइट क्रियोन से और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से गोल घुमाते हुए ये हमारा क्लाउड हो गया है। अब ऊपर स्काई का लुक देने के लिए हल्का सा मैं इसी क्रियोन को ऐसे रखते हुए हल्की सी शेडिंग दे रही हूँ, पूरे में नहीं दे रही हूँ, बस हल्का सा दे रही हूँ ताकि उसे लगे कि हाँ एक स्काई का, क्योंकि पूरे में करते टाइम आप उसको पूरा डार्क कर दोगे, इसलिए मैं पूरे में नहीं करवा रही हूँ। इस तरीके से बस लाइट लाइट शेडिंग दे रहे हैं हम। इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फिर भी लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर हम वाइट क्रियोन को लेके इस तरीके से रब कर देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो लगे और आपको सीन कंप्लीट लगे थोड़ा। ये हमारा पूरा मिक्स हो जाता है वाइट कलर करने से, आप देख रहे हो सारे में मैंने इसको स्प्रेड कर दिया स्काई ब्लू कलर को। डायरेक्शन मैंने एक ही रखी है सब में, राइट टू लेफ्ट। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। काइट में कलर कर रहे हैं, काइट में बहुत ही ब्राइट ब्राइट से कलर करेंगे। आपकी विश है जो भी कलर करना चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे टू बॉक्सेस में डार्क पिंक कर रही हूँ और टू बॉक्सेस में मैं यहाँ पे येलो कर रही हूँ। अब हम यहाँ पीछे बुशेज में कलर कर रहे हैं। मैंने काइट में कंप्लीट कर दिया है, बहुत ब्राइट से कलर कर दिए हैं। इसमें मैं लाइट ग्रीन, येलो और डार्क ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हम इसी तरह गोल घुमाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऊपर ऊपर की तरफ मैंने इसमें, अब मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन यूज़ कर रही हूँ जो मैं नीचे तो कर ही रही हूँ, बट येलो के ऊपर से भी इसी को मिक्स कर रही हूँ। और नीचे यहाँ पे हल्का सा डार्क ग्रीन।
इसको हम मिक्स करेंगे हल्का सा फिंगर से इस तरीके से। ऐसे ही मैं ये पूरी बुशेस कंप्लीट कर दूंगी, ग्रासेस सारी हमारी जो बैकग्राउंड ग्रीनरी है उसको। अब नीचे का ग्राउंड एरिया जो है उसको करेंगे थोड़ा सा सैंड वाला लुक देने के लिए। मैं ये मस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और लाइट ग्रीन और येलो, ये थ्री कलर्स यूज़ करेंगे हम। तो इसके लिए पहले मैं हल्का हल्का जो हमें उठी हुई जगह दिखानी है उसमें हल्का येलोइश दे रही हूँ इस तरीके से। और बाकी मैं दूर दूर मस्टर्ड कर रही हूँ कहीं कहीं पे, जिससे कि बाकी जो जगह बचेगी हम उसमें लाइट ग्रीन शो कर सकेंगे, थोड़ा सा ग्रीन एरिया शो कर पाएंगे। अब मैं लाइट ग्रीन यूज कर रही हूँ के बाद हम फिंगर से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। जो थोड़ा सा ग्राउंड का लुक देगा इस तरीके से मैंने ये कर दिया है। और इस ग्रास को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए डार्क ग्रीन से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और आप चाहे तो इसमें हल्का सा ब्लैकिश भी यूज कर सकते हैं ये इस तरीके से। अब हम इसके स्किन कलर करेंगे, अगर ये वाला मैं इसकी पूरी बॉडी में इसके स्किन कलर कर रही हूँ अब मैं इस तरीके से। इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसकी जो हैंड में थ्रेड है उसमें भी मैं सेम ये लाइट ऑरेंज कलर कर रही हूँ। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। ये पूरा सीन कंप्लीट हो गया है 30 सीन। और आप भी इसी तरीके से बनाएंगे और मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, सभी मुझे शेयर करेंगे कि आप सबने बनाया या नहीं बनाया। और सभी 30 सीन तीज फेस्टिवल भी एंजॉय कीजिए अच्छे से। और हैप्पी तीज, बाय।